हमारी जो 8 पिन रिले है ठीक है ना, इसके हमने कनेक्शन जो है कंप्लीट कर लिए हुए हैं ठीक है। इनको जो है हमने डिजिटल टाइमर के साथ अटैच कर दिया ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने 7 नंबर से लेके 1 नंबर तक जो है ना इसको शॉर्ट कर देना है ठीक है ना, और उसके बाद ये हमने न्यूट्रल की वायर जो है ना यहाँ से ले लेनी है, और यहाँ से हमने जो एक फेस की वायर जो है हमने इसको यहाँ से टाइमर से हमने फेस देना है, और इसको ला के हमने 7 नंबर के साथ अटैच कर देना है ठीक है फ्रेंड। यहाँ से हमने इसको फेस देना है और 7 नंबर से हमने इसको अटैच कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि टाइमर जो है 7 और 1 नंबर से जो है ना इसको फोर्स मिलती है, करंट मिलता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो इसी तरह ये जो हमारी है क्या नाम है 8 पिन रिले है, इसको भी 7 नंबर और 1 नंबर से जो है ना फोर्स मिलती है। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ से 7 नंबर लिया है और इसको ला के टाइमर की 7 नंबर के साथ मिला दिया, और 2 नंबर जो है इसको न्यूट्रल को हमने यहाँ से न्यूट्रल पे लगा दिया है, और फ्रेंड हमने यहाँ से 6 नंबर वायर लिया है ठीक है। 6 नंबर 8 पिन रिले से हमने वायर लिया और इसको ला के टाइमर में 5 नंबर पॉइंट पर लगा दिया है ठीक है। टाइमर की 5 नंबर पॉइंट पे लगा दिया है और यहाँ से हमने 6 नंबर से ये वायर लिया है, और इसी तरह जो न्यूट्रल है हमने इसको यहाँ से ये लाइट वाली वायर से जो है ना हमने इसको न्यूट्रल दे दिया है ठीक है। अब जो है बारी आ जाती है कि हमने इसको पुश बटन और करंट कहाँ से देना है ठीक है। तो हमने जो हमारा ये जो ऑन ऑफ बटन है यहाँ से करंट लिया है ठीक है, ये जो हमारा ऑन ऑफ बटन है यहाँ से हमने करंट लिया है, और उसको करंट को लेके हमने 7 नंबर पर नहीं देना ठीक है फ्रेंड, उसको हमने देना 8 नंबर पर ठीक है। 8 नंबर से हमने करंट देना है और वहां से एक वायर लेके आना है हमने ठीक है, इसके अंदर वायर्स वहां से हमने एक वायर लेके आनी है, इसके अंदर ये जो हमारा पुश बटन है इसके अंदर हमने एक वायर लेके आनी है। 8 नंबर यहां से हमने करंट देना है 8 नंबर को, टाइमर के 8 नंबर पे हमने करंट दिया और वहां से करंट लेके आए अपने पुश बटन में, और पुश बटन से जो है ना करंट हमने यहाँ से निकाल के ला के दिया अपने 7 नंबर टाइमर को, और यहाँ से जब हम इस बटन को पुश करेंगे तो हमारा जो ये टाइमर है ये ऑन हो जाएगा जितने भी सेकंड के लिए हम इसको ऑन करेंगे। तो इस तरह हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए। अभी जो है हम इसको आपको लगा के चेक करवाते हैं ठीक है, और इस तरह ये जो हमारा ये जो सोनेट वाला है इसके कनेक्शन रह गए हैं, ये मैं आपको करके अभी 1 मिनट में बता देता हूँ कि ये कैसे होंगे। हमने ये सोनेट वाल की वायर जो है इसको स्ट्रिप कर लिया है, और स्ट्रिप करने के बाद इसको जो फ्रेंड हमने एक वायर जो है इसकी 3 नंबर जो है हमारी ये 8 पिन रिले जो है फाउंडर की वहां पे इसको लगा देना 3 नंबर के पॉइंट पर। ओके, हमने इसको ऑन करवाना है यहाँ से, यानी कि ये जो टाइमर है इस सोनेट वाल को ऑन करेगा ठीक है। ये आप कितने मिनट के लिए ऑन करेगा या कितने मिनट के लिए हमने करवाना है तो वो हम यहाँ से इसको बताएंगे। अब हमारी वायर यहाँ से छोटी पड़ रही है, इसकी न्यूट्रल के साथ अटैच नहीं हो रही, तो हम इसको यहीं पे लगा देंगे अपने इसके ऊपर, क्या नाम है ये जो हमारा कनेक्टर है इसी के न्यूट्रल वाले पॉइंट के ऊपर हम इसको लगा देंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले न्यूट्रलें लगी पड़ी हैं। चलिए दोस्तों, हमारी जो न्यूट्रल है यहाँ पे लग गई है और हमारा फेस जो है वो 3 नंबर पर लग गया है, और अब जो है हम अपना ये जो क्या नाम है फाउंडर वालों की ये जो रिले है इसको हम यहाँ पे पुश कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारी रिले जो है लग चुकी है, अब बारी आ जाती है कि हमने इनको कनेक्शन जो करने हैं ठीक है, यानी कि इसको ऑन करके चेक करना है वो भी सीरियस पे। तो इसको जो है हम ऐसे वायर लगा लेते हैं अपनी न्यूट्रल जो है, आपको पता ही है कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे ये पहले से न्यूट्रल लगी पड़ी है यहीं से हमने इसको इस न्यूट्रल को भी मेन न्यूट्रल को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, और इसको हम तो फ्रेंड यहाँ पे इसको ऑन करने के लिए अभी टेस्टिंग के लिए जो है हम सीरियस पे इसको चेक करेंगे, उसके लिए न्यूट्रल जो है हमने यहाँ पे लगा दिया ठीक है, और फेस हम इसको यहाँ पे दे देंगे। ये वायर जो है हम टेस्टिंग के लिए काट लेते हैं यहाँ से इतनी ठीक है, और इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं ठीक है। अभी जो है अभी इसको हम ऑन करके आपको दिखाने वाले हैं, और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे आपको इसका फेस कनेक्शन जो है उसको कर देंगे। उसके लिए हम जो है ना यहाँ से एक वायर लेंगे, जो है इसकी फेस वाली वायर लेंगे, फेस वाली वायर जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, क्या नाम है, थोड़ी सी लंबी ले लेंगे वायर को, और इसको यहाँ पे कर देंगे स्टिक।
जी तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी न्यूट्रल वायर ले लिया, यहाँ से हमने इसको कनेक्शन कर देना है, ठीक है। इसको टेस्टिंग के लिए अभी हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और फेस वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ये दो वायरें जो है हमने इसकी बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने फेस वायर लगा दिया जो हमने मेन वापडा देनी है, और न्यूट्रल जो है हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इसके कनेक्टर में। और अभी जो है इसको हम सीरियस देने वाले हैं, ठीक है। और जो हीटर की वायरें जो है जो हमने आपने लगानी है, वो एक वायर यहाँ पे आपने लगा देनी है, और एक वायर जो है इसके साथ आपने लगा देनी है फेस की वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने एक वायर लगानी है जो हमने शॉर्ट किए थे पॉइंट, और यहाँ पे फेस के लगाने हैं, और न्यूट्रल के सामने आपने न्यूट्रल की वायर लगा देनी है। तो इस तरह हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी जो है, टेस्टिंग के लिए हम इसको सीरियस के ऊपर आपको चेक करके दिखाने लगे हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। तो हम इसको बंद कर लेते हैं अभी आर्जी तौर पर। तो आप देखें ये हमने इसको ऐसे रख दिया है, और इसकी बटन को हमने ऑफ कर दिया है। तो अभी जो है इसको हम सीरियस के ऊपर कनेक्शन करने वाले हैं। जी तो दोस्तों हमने इसको सीरियस के ऊपर इसके पीछे से करंट लगा दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने करंट लगा दिया सीरियस बोर्ड के साथ, इसको अटैच कर दिया। ये जो बटन है ये ऐसे करने पे ये ऑन हो जाता है। ये बता रहा है कि यहाँ पे इस वक्त जो है 243 वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं, यानी कि 241 इस वक्त इसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं। हीट ये इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि इसको थर्मल कपल नहीं लगी हुई। और ये हमारा पुश बटन है, इसको हम पुश करेंगे तो यहाँ पर हमने 2 सेकेंड सेट किए हुए हैं, तो ये 2 सेकेंड के लिए चलने के बाद ऑफ हो जाएगा। तो आप ये देखें इसको हमने पुश किया, और ये जो है इसने 2 सेकेंड चलने के बाद इसको ऑफ कर दिया। ये देखिए हम इसको दोबारा पुश कर रहे हैं, और ये ऐसे ही वर्किंग कर रहा है। इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 240 इस वक्त इसका टेम्परेचर है। और जब मैं इसको पुश करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइट जो है वो भी जलेगी। इसको मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे इस जगह पे एक लाइट जलेगी जो हमें बताएगी। ये देखें ये लाइट जल रही है, और ये बता रहा है कि हमारा सोनेट वाल्व जो है वो 2 सेकंड के लिए ऑन हुआ और उसके बाद ऑफ हो गया। ये देखें जी। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरे पैनल के कनेक्शन करके आपको बताया कि कैसे हम इस पैनल को जो है बना सकते हैं बड़े आसानी के साथ, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कोई किसी किस्म का इशू आए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, और आप हमसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में मसाइल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, कोई अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। फ्रेंड अल्लाह हाफिज़।